Recording stopped. Recording in progress. यूजर फॉर्म की हमारी ये छठी क्लास है। पांच क्लास तक हमने यूजर फॉर्म के बारे में जाना, हमने यूजर फॉर्म बनाना सीखा, यूजर फॉर्म के अंदर डेटा लाना सीखा, यूजर फॉर्म के डेटा ले जाना सीखा, यूजर फॉर्म में हम कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के बारे में जाना। अब हम लिस्ट बॉक्स को ही आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट बॉक्स बनाया जिसमें हम यूनिक वैल्यू डालना सीखे कॉम्बो बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में, और साथ में हमने पूरी एक सीट का डेटा कैसे लेते हैं लिस्ट बॉक्स में, इस चीज को भी जाना। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन हम कैसे करेंगे लिस्ट बॉक्स में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा डेटा तैयार करते हैं। जैसे मैं यहां पे एक डेटा लेता हूं नेम बाईजी, और यहां पे जैन कर देता हूं यहां पे नेम। डेटा यहां पे हमने इस तरह से लिया। ये हमारे पास डेटा है, डेटा शीट। अब इसको मुझे लिस्ट बॉक्स में लेके आना, इसको हमें क्या करना है लिस्ट बॉक्स पे लेके आना। लिस्ट बॉक्स पे लाने के लिए हम अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा डेटा लिस्ट बॉक्स में लाना चाहे तो ला सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, और पहले से यहाँ एक दो फाइल खुले हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल यूजर फॉर्म यहाँ पे हमने, और यहाँ हम करते हैं अपना लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं और ऊपर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे डेटा। अब यहाँ पे हम अब इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे जाते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले तो अब इसमें आ रही आती है कि हमने लास्ट क्लास में लिस्ट के बारे में जाना था, लिस्ट बॉक्स के बारे में। मैं यहाँ पे करता हूँ मी डॉट यूजर फॉर्म मी है अभी लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट, और लिस्ट इक्वल टू मैं करता हूँ रेंज ए वन से लेके यहाँ पे ए वन से लेके जे नाइनटी जे नाइनटी। क्या इस तरह से डेटा लोड होगा, चलिए चेक करते हैं। और
हमारे पास कॉलम, यहाँ पे एक यूजर फॉर्म में आते हैं, इसमें कॉलम काउंट, तो कॉलम काउंट हमारा कितना है, कॉलम काउंट है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम कॉलम काउंट 10 कर देते हैं। यहाँ पे हेडर हम बोलते हैं ट्रू, और इसको तो रन करके देख, नहीं, इस तरह से पूरा एक रेंज नहीं ले सकते, आप देख पा रहे हैं, पूरा रेंज हम नहीं ले पाएंगे। लिस्ट ऑफ लिस्ट में अगर हम यहाँ पे A1 से लेके A19 करें तो मे भी आ सकता है लिस्ट में, नहीं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं एप्लीकेशन डॉट ट्रांसपोज ए ट्रांस नहीं की है, ट्रांसपोज नहीं है इसमें, इसमें ट्रांसपोज होते जो कि ट्रांसपोज कर देता, एप्लीकेशन डॉट ट्रांसपोज, तो यहाँ नहीं। चलिए, तो वही काम करेंगे जो कि हम लास्ट टाइम एरे में किए थे। ओके, Recording stopped.